तो जय श्री नंद दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आपने इनको रियल हिट के पॉडकास्ट में भी जरूर से देखा होगा। और बहुत से टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से मेनली भविष्य मालिका, भगवान जगन्नाथ और संत आचरण दास जी के बारे में बात करेंगे। तो भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जय आने के जगन्नाथ, लिए। जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो हमारे दर्शक है उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि जो लोग हिंदी बेल्ट है उनको भी पता चल जाए आपके बारे में। और संत अच्युतानंद दास जी से भी कैसे रिलेशन है आपका, वो भी थोड़ा सा अगर बता देता। मेरा नाम है गौरव महंती। मैं उड़ीसा का एक रिसर्चर हूँ। उड़ीसा के संस्कृति, उड़ीसा के कल्चर और हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ कल्चर के ऊपर एक रिसर्चर हूँ, जो वीडियो भी बनाता है, अभी पॉडकास्ट भी करता है, अभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि लोगों को हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर पता नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर हम लोगों को बोले अंडरडॉग, हमारा उड़ीसा के लोगों को अंडरडॉग बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों में इतना संस्कृति है पर हमें प्रकाशित नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो तो छोटा छोटा जो मतलब स्टेट है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा संस्कृति है, वो लोग अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर हम लोगों का, हम लोग मतलब एंशियंट इंडिया को अगर देखना है तो उड़ीसा में आना है, सब बोलते हैं, पर उड़ीसा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, उड़ीसा को बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं आया हूँ उड़ीसा के बारे में बोलने के लिए। ज्यादातर तो मैं उड़ीसा के बारे में बोलूंगा, उड़ीसा की ग्रेटनेस के बारे में बोलूंगा, उड़ीसा क्यों महत्वपूर्ण है वो बोलूंगा। और रहा बात अच्युतानंद जी का, मैं अच्युतानंद जी का डिसेंडेंट हूँ। मेरे मम्मी के साइड से वो हैं। अभी मेरे मामा उनके गादी पे बैठे हैं, मतलब महंत हैं उनके मठ के, अच्युतानंद जहाँ पे बैठते थे वहां पे अभी मेरे मामा बैठे हैं। अभी भविष्य मालिका क्या है? फर्स्ट बात, भविष्य मालिका जो भविष्य बताता है, इतना ही चीज है। भविष्य मालिका भविष्य बताता है, भूत मालिका वो मतलब पास्ट का चीज बताता है, प्रेजेंट का भी मालिका था। अच्युतानंद 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे ग्रंथ लिख चुके थे, खाली भविष्य मालिका नहीं लिखे थे। भविष्य मालिका एक छोटा सा बुक, उन्होंने बुक नहीं, उनका क्या होता था, मालिका का मतलब है हमारे यहाँ पे माली, माली माड़ी बोलते हैं, मतलब उड़िया में माड़ी, माड़ी मतलब जो हम लोग पहनते हैं ना, जो नेकलेस, नेकलेस में एक एक जो मोती जैसे, उसको बोलते हैं माड़ी, माला, हाँ वही वाला माला। तो माला के जैसे क्या कहते हैं, जो ताल पत्र है उसको माला के जैसे ऐसे ऐसे रख रख के किए थे मालिका, मतलब तब पेपर तो नहीं था, ताल पत्र में लिखते थे। तो ताल पत्र में क्या होता था, ऐसे ऐसे एक एक करके एक माला बना देते थे, वो होता था मालिका, इसीलिए बोलते हैं मालिका। और भविष्य मालिका क्या है, भविष्य हमारा ये वाला जो चल रहा है अभी, कलयुग चल रहा है, कैसे खत्म होगा, उसका मालिका है, मतलब उसका बात बोला गया है अभी। और एक बात अभी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आ रहे हैं जो कि भविष्य मालिका के बारे में बात कर रहे हैं, पर इसमें एक कैच है, आयरनी है कि वो कैच है कि इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता, निर्दिष्ट लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे मामा जी, जिनको आज्ञा मिला है। मैं अभी अगर बोले तो, अगर कोई गाइड करने वाला, अगर कोई मतलब आप बोलोगे ब्रह्मांड में कौन आपको गाइड कर सकता है, वो अकेले हैं मेरे मामा जी, कोई नहीं। और जो भी बोल रहे हैं ना, एक ऐसे ही एक पुस्तक उठा देंगे, ऐसे ही एक पुस्तक ले आएंगे जिसमें मेरे ही मामा जी कुछ बोले होंगे, मतलब ऐसे जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे ही मामा जी कुछ बोल रहे हैं, उसको एक बुक में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से पढ़ के बोलेंगे। इसके पास तो मालिका नहीं है, किसी के पास नहीं है, बहुत मतलब हमारे
एक्चुअली हमारे घर से हैं तो हमारे पास है कुछ, और बोला जाता है कि वो चलते थे कभी, कुछ कुछ लोगों के पास पहुंच गया है, मतलब एक दो लोगों के पास, पर वो लोग प्रकाश नहीं करते। कौन प्रकाश करता है? जो लोगों को कुछ नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं, मानव जाति को डराते हैं। इसीलिए बोला गया है प्रकाश करना मतलब अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? इसमें हमारे यहाँ पे बोला जाता है, उड़िया में बोला जाता है, वंश निपात होना, मतलब अपना वंश, मतलब अपना पूरा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आप पूरा सब कुछ मतलब गलत बोल रहे हो, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, और मैं बोलता ही जा रहा हूँ कुछ, मतलब जो जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है, बोल रहे हो गलत सलत, सबको डरा रहे हो। इसीलिए अच्युतानंद जी ने बोला है इसको बोलना नहीं है, जो बोलेगा उसको निर्दिष्ट आकार में, मतलब जैसे कि हमारे अभी टीचर ले लो, फिजिक्स टीचर ले लो, फिजिक्स टीचर को वो दायित्व दिया गया है कि तुम फिजिक्स पढ़ाओ। अगर ओडिया अभी हिंदी टीचर आके फिजिक्स पढ़ाएगा तो आप बोलोगे आप तुम कौन हो पढ़ाने वाले, हमारे तो फिजिक्स टीचर है ना, तो वो बात हो जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सब कोई ऐसा नहीं बोल सकता, आप पढ़ना है पढ़िए जानिए, पर डिस्कशन करना, लोगों को विभ्रांत करना, लोगों को डराना, ये गलत हो रहा है। इसीलिए मैं मतलब मैं रियल हिट में भी जब गया था, बहुत लिमिटेड बात किया था, क्योंकि जो जो चीज लोगों को पता होना चाहिए मैं बोलता हूँ। मैंने कोई भी जो जो लोग भविष्य मालिका बोलते हैं कभी भी सल्यूशन नहीं देते, कुछ तो सल्यूशन होगा बचने के लिए, कुछ कुछ तो सल्यूशन होगा, इतना सब कुछ हो जाएगा हम सबको ही मर जाएंगे तो बचने का कुछ उपाय है? कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे बचना है। अगर पता है तो तुम लोग बताते क्यों नहीं, मेरा वो क्वेश्चन है। खाली एक चीज मैंने बोला था वहां पे कि एक चीज से आप बच सकते हो, जय जगन्नाथ बोलिए, नहीं तो वो त्राही अच्युत बोलिए। त्राही अच्युत मतलब अच्युत हमें बचाओ, मतलब अच्युत मतलब वही जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी हमें बचाओ। लोगों को कुछ पता नहीं है, मतलब डिस्कशन करना ये पूरा विवराट वाला चीज है। हम लोग अभी लोगों को क्यों भविष्य मालिका के बारे में जानना है, क्योंकि उसमें भविष्य लिखा गया है, और बेसिकली क्या लिखा गया है, मतलब हमारे डिस्ट्रेक्शन लिखा गया है, इसीलिए हम हमें जानना है। बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या हुआ था, बहुत लोग सोचे कि 2000 में, एक आपको इंस्टेंट बोल रहा हूं, अभी 2012 में बहुत लोग सोचे थे कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन भी आ गया था। सब बोले कि अभी खत्म, अभी तो मालिका का बात ठीक होगा। मालिका के बाद कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब हो रहा है, फर्स्ट बात। तो लोग सब सब बोले कि 2012 में तो हो जाएगा, तो 2012 में अगर हो रहा है तो इन लोगों बहुत लोगों ने क्या किया, अपना पूरा सब कुछ, मतलब खेत फेत, अपना घर, सब कुछ बेच लिया, घूमने के लिए गए, पूरा पूरा घूम रहे हैं, पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं, पर 2012 में कुछ नहीं हुआ, पूरा मतलब पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। अभी मतलब बोल रहे वो मैंने हमने देखा था कि बहुत लोग हैं, मतलब हमारे आसपास के लोग, जो लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए कि 2012 में नहीं हुआ, हम लोग तो बेच दिए इतना कुछ, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। ये मतलब क्या बुद्धू वाला चीज होता है, मतलब आपका आइडिया कुछ नहीं है, आप कुछ कर रहे हो, मत करो, इतना डरना नहीं है। सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन को पकड़ो, अरे सोल्यूशन को पकड़ो, चलते रहो, काम करते रहो, भगवान अपने आप ही बचाएगा। अगर बचा नहीं रहे हैं ना भगवान, अगर बचा नहीं रहे हैं तो मोक्ष दे देंगे आप लोगों को, इतना पता होना चाहिए। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो रहा है, भगवान अगर आपको इस तरह से मुक्ति दे रहे हैं तो मुक्ति ले लिया करें। बिल्कुल वो मुक्ति ही सबसे मतलब सबसे ट्रूथफुल
वे है, ये जो भी चल रहा है ना एक ड्रामा जैसे चल रहा है, एक सपना जैसे चल रहा है जो कि खत्म होना ही होना है कुछ दिन में। मतलब किसी का 100 साल में होता है, किसी का 80 में होता है, किसी का 50 में होता है, किसी का 30 में होता है, पर खत्म होता है। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है, जो भी है ये सब कुछ माया है, मत फंसिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। तो जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से बहुत सही चीज बताई है इन्होंने, जैसे मालिका के नाम पे आजकल काफी ज्यादा जो एक डराने का बिजनेस सा चला हुआ है, उससे भी सावधान रहिए। मेनली जो बचने के उपाय हैं, जैसे कि इन्होंने बताया भगवान का नाम, भगवान जगन्नाथ का नाम, वही चीज है, आपकी भक्ति ही आपको बचा सकती है। और मान लीजिए अगर कुछ ऐसा नहीं भी होता है तो भगवान मुक्ति ही देंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, तो उस चीज को भी ध्यान रखिए। एक चीज और, जैसा कि भविष्य मालिका के नाम पे जो अभी टाइमलाइन बताई जा रही है, नॉर्मली जितने भी लोग बताते हैं, क्या वो करेक्ट निकल के आ रही है? जैसे कि जैसे आप तो, आपको तो पता ही होगा ओरिजिनल जो टाइमलाइन बताई जा रही है। क्या होता है ना, प्रेडिक्शन था कि 2025 से 30 के अंदर होगा, 32 में शायद सत्ययुग आ रहा है। प्रेडिक्शन क्यों था ये भी आप पूछोगे, तो प्रेडिक्शन क्यों था, क्योंकि जब मतलब मालिका पे लिखा गया है, हमारा क्या होता है ना, मालिका में अच्युतानंद जी लिख दिए हैं कौन कौन बैठेगा इसके बाद, समझ रहे हो, मतलब उनके गादी पे, उनके जो महंत सीट पे कौन कौन बैठना है उनको। कोई भी ऐसे नहीं बैठ सकता, हमारे ही मतलब वंश में कौन बैठेगा, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि जब गगनानंद गोस्वामी, जो मेरे मामा जी है उनका नाम है गगनानंद गोस्वामी, जब गगनानंद गोस्वामी अपने गादी पे बैठेंगे, उसी वर्ष उसी ईयर कुछ प्रलय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि सब मतलब रो पड़ेंगे ओडिशा के बाद सुन के। तब क्या हुआ था ना, ओडिशा में सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में। सुपर साइक्लोन जो हुआ था बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोगों का घर पूरा उजड़ गया था। उस वो जो गगनानंद गोस्वामी, वो जो भी प्रेडिक्ट करते हैं उनका सच आता है, क्योंकि इसी के अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हमारा, हमारे ओडिशा को मतलब साइक्लोन प्रॉन जो बोला जाता है उसी के अंदर ही बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही साइक्लोन आने लगे उसके बाद। और क्या बोला जाता है कि इनके ही पीरियड में होगा, मतलब गगनानंद गोस्वामी जब तक जिंदा है तभी होगा। और बहुत लोग बोलते हैं खाली गजपति, गजपति मतलब क्या है, गज मतलब हाथी, हाथियों के पति। मतलब हमारे ओडिशा में बहुत गज रहते थे, गज मतलब हाथी बहुत थे, तो इसीलिए हम लोगों को गज, हम लोग अपने राजा को गजपति बोलते थे। तो सभी राजा गजपति है, अच्छा पोस्ट है, बोलते हाँ पोस्ट है। मतलब हमारे राजा को बोला जाता है नबकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर, सॉरी नबकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर श्री 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 गजपति, नहीं सॉरी सर, गजपति गौड़ेश्वर कड़वर्गेश्वर गजपति कर्णेश्वर, हाँ गजपति गौड़ेश्वर नवकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर श्री 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 श्री, ऐसा किसी का नाम गजपति प्रथम आता है, प्रथम नाम मतलब गजपति। हमारे यहाँ पे जो भी होता है उनको बोला जाता है गजपति, राजा को, समझ रहे हो। तो जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज को आप मतलब हम लोग संबोधित जब करते हैं, बोलते हैं कि इंद्र जी भी जो ये पूरा उनका एक है ना, पूरा इंद्र जी भी तो ऐसे हमारा ये वाला था, समझ रहे हो। तो गजपति सर है, गजपति कौन, गजपति दिव्य सिंहदेव, जब ये जो गजपति है वो ठीक मतलब दिव्य सिंहदेव है, उनका नाम भी पढ़ा है और ये भी पढ़, मतलब कोइंसाइड हो गए हैं दोनों, जो नहीं चाहिए था वो दोनों ही कोइंसाइड कर गए हैं।
अभी करना क्या है, उन्होंने बोला जब उनका बेटा बैठेगा, मतलब उनका बेटा जो मतलब एक उनका जो बेटा है, प्रथम बेटा है, उनका नाम है राजा, तो वो जब बैठ रहा है, बैठेगा मतलब गादी पे, तब सती होगा। मतलब उनका तो एज हो गया है, मतलब अभी 60-70 तो हो गया है, मतलब वो उन्होंने बोला कि इसी 10 साल के अंदर कुछ होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन में उन्होंने भी बोला 2025-26 मान लीजिए। मैंने और मतलब और कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने बोला कि 25-26 मान लीजिए, वही तभी होगा ज्यादा। भविष्य मालिका को लेके काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा मुझे लग रहा है लोगों को, और मेनली जो टाइम डेट और बताते हैं उन चीजों में ना फंसिए। अभी जो लोग बता भी रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया किस आधार पे ही बता रहे हैं, तो जो लोग जैसे राजा बताए गए हैं, जो गजपति महाराज कौन होंगे, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं, और उनकी गाड़ी पर कौन बैठेंगे उस टाइमलाइन को मैच किया जा रहा है। तो इससे लोगों को भविष्य मालिका की एक्यूरेटी भी पता चलेगी कि इतने सालों पहले, आज से मेरे ख्याल से 500 से 600 साल पहले लिखी गई थी, और उस टाइम में भी इतनी एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है। और जगन्नाथ पुरी को लेके भी कई सारे संकेत बताए जा रहे हैं, जो कई लोग मैं देख रहा हूँ उड़ीसा के लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जो पूरे हो रहे हैं, जैसे खून के छींटे मिल रहे हैं, तो इनमें भी कुछ सच्चाई है। नहीं, सुनिए, खून की छींटे मिलना वो पहले भी हो रहा था, वो तो अभी खाली आज ही नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये मतलब संस्था खोल दी है, मतलब लोगों को डराने का। वो स्वतंत्र एक प्रथा है हम लोगों का, अगर खून का छींटा मतलब भाई मेरा अगर कहीं पे कट जाएगा तो खून का छींटा तो पड़ेगा ना। बराबर अरे उसके लिए प्रथा है, क्या होना है, महास्नान होना है, प्रभु जी का महास्नान होगा, बहुत कुछ मतलब उनका रिचुअल है, फिर से मतलब सब कुछ क्लियर होगा। वो जो खाना बना है, खाना पूरा मतलब वेस्ट किया जाएगा, पूरा ये जमीन में गाड़ के पूरा दबा देंगे खाना, बहुत मतलब हम लोगों का नैवेद्य नहीं होगा, मतलब खाना और परोसा नहीं जाएगा जगन्नाथ जी को, जो मतलब तैयार हुआ होगा खाना वो परोसा नहीं जाएगा, न ऐसे खाना बनेगा, बहुत कुछ है ऐसा रिचुअल है। तो ये मतलब इसमें विभ्राट मत करिए लोगों को विभ्राट करके कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप लोगों को पॉपुलैरिटी मिलेगा, ये पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है। पहला चीज, कुछ चंद पैसे पैसा मिल जाएगा, अगर कुछ हो पा रहा है तो चंद पैसा मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो, लोगों को ट्रेड दे रहे हो यार, बहुत लोगों का तो बीपी चढ़ गया होगा ये सब कुछ सुन के। ज्यादा भाई रिलैक्स रहो भाई, लाइफ है, एंजॉय करो। इतना मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करके क्या मिलता है आपको, लोगों को ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खाली विभ्राट कर रहे हैं। अगर सुनना है आप लोगों को, सुनना है क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोला ही नहीं कुछ, 1% भी नहीं बोला अभी तक जो जानता हूं, और मैं जानता भी हूं 1% भविष्य मालिका का, ठीक है। मैं जानता भी हूं 1% भविष्य मालिका का। अगर आपको जानना है, मेरे मामा जी जो नेमाड़ जहाँ पे अच्युतानंद जी का गादी है, सालेपुर कटक के कटक के पास सालेपुर है, सालेपुर में नेमाड़ एक गांव है, वहां पे जाइए, उन्हें पूछिए, वो बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता सर, और कोई नहीं, जो भी बता रहे हैं आइडिया नहीं है। अगर आइडिया है भाई अच्छा है, आप भी बन गए हो, आपको अच्युतानंद जी ने वो कृपा किया है, हम में तो सामर्थ नहीं है, हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं भाई ये डिस्कशन करने वाला चीज नहीं है, गुप्त चीज है, और जो बोलना है जो बोलेगा वो बोलेगा, हमें क्या, जितना बताना है बता देंगे।
समझिए बात को, ये बहुत ही क्लियर कट चीज है, समझ रहे हो? तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से भविष्य मालिका को लेकर आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। गौरव जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर किया है। मेनली जो लोग डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं, उन वो लोग भी ध्यान रखें, इन ये चीज डराने के लिए नहीं है, एक तरह से जागरूक करने के लिए है। और मेनली आप अगर भविष्य मालिका के बारे में कहीं से पढ़ भी रहे हैं या कुछ PDF या फिर हिंदी बुक भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनली ताड़ के पत्थर पर लिखी गई है, और वो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया, इनके मामा जी या इन लोगों के पास ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे, वो किसी के पास नहीं रहेगा, पहला बात, वो जाएगा ही नहीं। अगर किसी चुनिंदा पर्सन के पास जा रहा है तो उनके पास कृपा है अच्युतानंद जी का, नहीं तो नहीं जाएगा, उनका ही अनुमति से जाएगा वो। अगर किसी के पास आ भी रहा है, वो अपने आप ही गुम हो जाएगा, अपने आप जहां से गया था वहीं पे चला आएगा। तो मेरे ख्याल से आपके भविष्य मालिका को लेके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात तो अभी मेरे ख्याल से भगवान जगन्नाथ के ऊपर आते हैं। भगवान जगन्नाथ को लेके भी कई सारे वीडियोस अलग अलग वायरल होती रहती हैं, कई सारे लोग अलग अलग दावे भी करते हैं। अब आप आ जाएं तो थोड़े से क्लियर कीजिएगा। जैसे कि भगवान जगन्नाथ को लेके एक ब्रह्म पदार्थ की बात की जाती है, तो वो क्या चीज है? कई लोग भगवान कृष्ण का दिल भी बताते हैं और कई लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानते हैं तो बताइए। वो कृष्ण जी का दिल नहीं है जो बोल रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आप लोग गलत बोल रहे हो। हमारा एक उड़िया में एक बोली बोला जाता है, तो बोला जाता है कि चोड़ो करा रे गोटिये नंद, मतलब 16, ये जगन्नाथ जी है 16 कलाओं में संपूर्ण, मतलब सब कुछ उनके ही अंदर है, उनके एक कला है कृष्ण जी, एक कला। तो आप लोग, हम इनके ही पार्ट है, परम ब्रह्म है वो, क्योंकि परम ब्रह्म के पार्ट परम ब्रह्म ही होता है, खुद परम ब्रह्म होते हैं। बट उसमें क्या है कि जो बैठा है ना वो अलग ही कोई है। जगन्नाथ जी आप, मतलब आपके इमेजिनेशन से भी बहुत, मतलब ऊपर है। मतलब ये संसार ना, ये जो यूनिवर्स है उनमें, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, रोम रोम में जो ऐसे ही समा जाएंगे हमारा यूनिवर्स, पता ही नहीं चलेगा। ये इतने पावरफुल है हम लोगों को, मतलब हम लोग अगर जा रहे हैं ना भाई, बहुत डरते हैं भाई। वो जो बैठा है अगर कुछ बोल रहे हो भी, बहुत डरते हैं, क्योंकि जो बैठा है ना, मतलब हमारे, हम कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे करके सैकड़ों, मतलब यूनिवर्स, उनके पैरों के नाखून भी नहीं होगा। लोग उन्हें, मतलब कृष्ण जी का दिल लिए वो कुछ नहीं जानते। आप कृष्ण जी का दिल आप कैसे जाने, कौन बोला? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं, और बहुत बड़े बड़े चैनल भी बोला है। क्यों बोलते हो? कुछ तथ्य नहीं है, कोई भी जानता नहीं, ब्रह्मा भी जान नहीं पाए थे, कोई जानता नहीं, कोई भी नहीं जानता इस यूनिवर्स में, कोई जानता नहीं। कृष्ण जी तो ह्यूमन थे, ये तो फिर भी परम ब्रह्म है। इनको, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा, शंकर, सब कोई आके नमन करता है। मतलब मंदिर में आप अगर आ रहे हो तो आप देख सकते हो। ये किसी के अंडर नहीं है, किसी के पार्ट नहीं है, इनके सब कोई पार्ट है भाई। जगन्नाथ जी और कोई है, मतलब जगन्नाथ जी, मतलब बहुत ही पार्ट है। आप जितना सोचते हो वो, मतलब उनके लिए, मतलब ये चुटकी भी नहीं बजाना पड़ेगा।
खाली देख लेके खत्म हो जाएगा मौत कुछ ये जगन्नाथ जी यहाँ पे है जगन्नाथ जी तो मतलब बहुत ही पावरफुल है भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लोगों को पता नहीं चल रहा है वो कितना पावरफुल है। वो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग क्यों इस इतना कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी के वजह से, पर उन लोगों को पता नहीं है जगन्नाथ जी सतयुग से हैं, आज के नहीं है, कृष्ण जी का हाथ नहीं है, इसीलिए सतयुग से, उनका उद्भावना सतयुग से, मतलब सतयुग से लोग जानते हैं कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे ही परम ब्रह्म रहते हैं, यहीं पे जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है वहीं पे ही रहते हैं। और मतलब बहुत युग ऐसे चला गया है, बहुत बार सतयुग चला गया, बहुत बार कलयुग भी चला गया, पर वहाँ वहीं पे मतलब जगन्नाथ जी हर बार हर वक्त वहीं पे ही रहते हैं, कुछ भी प्रलय हो जाए कुछ भी हो जाए वहीं पे ही मिलेंगे, वो है जगन्नाथ जी, कोई उन्हें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिवर्स मतलब उनके लिए एक खिलौना है, समझो बात को। बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं मतलब कृष्ण जी सोच के, कृष्ण जी ह्यूमन थे, कृष्ण जी भगवान थे पर ह्यूमन मतलब मतलब मानव रूपी रूप लेके आए थे, ये भाई ये मानव रूपी नहीं है ये भाई, बहुत कुछ कर देंगे मुझे मतलब हम लोगों को, अगर हम लोग कुछ वो मतलब गलत बोल देंगे ना भाई, हम लोगों को मतलब बहुत डर लगता है कुछ गलत ना बोल दे, क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि हम लोग गलत बोल ही नहीं सकते, जो भी बोलना है ठीक बोलना है। और बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं, वो लोग बोलते हैं कृष्ण जी का हार्ट, आप लोगों को कैसे पता, कैसे पता, किसी को भी नहीं पता, क्या बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं। और आपको अभी मैं बोलता हूँ, उड़ीसा, उड़ीसा इतना स्ट्रेटेजिकली मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, माइथोलॉजिकली मतलब हमारे संस्कृति के प्रति सब कुछ, सब कुछ सब में बहुत इम्पोर्टेंट है उड़ीसा, सब में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को लगता होगा छोटा मोटा कुछ होगा, कुछ नहीं, खाली यहाँ पे जगन्नाथ जी है इसीलिए नहीं, ये उड़ीसा है जहाँ पे सभी भगवान आते हैं, हर वक्त आते हैं, कहीं ना कहीं सबके प्लेस है। उड़ीसा में जो पुरी है उसको बोला जाता है मर्त्यलोक का वैकुंठ, वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब क्या है, वैकुंठ मतलब मतलब स्वर्ग से भी ऊपर जहाँ पे विष्णु विराजते हैं वो है वैकुंठ, ये है मर्त्य का वैकुंठ। फर्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पे, यहाँ पे ब्रह्मा जी फर्स्ट जब धरती पे पैर रखे थे यहीं पे, मतलब पुरी के साइड में है एक ब्रह्मागिरी, वहां पे मतलब पैर रखे थे, वहां पे उतरे थे, ब्रह्मागिरी मतलब ब्रह्मा मतलब वो पहाड़ जो पर्वत का नाम पड़ गया ब्रह्मगिरी, गिरी मतलब माउंटेन, ब्रह्मगिरी ब्रह्मा के नाम पे गिरी, यहीं पे ही मतलब ब्रह्मा जी बहुत सिद्धियां पाए, यहीं पे ही परशुराम जी ये श्री विद्या का सिद्धि पाए, यहीं पे ही माता दुर्गा माता का शक्ति का आदि शक्ति का सबसे ज्यादा उद्भावना, सबसे ज्यादा पावर यहीं पे दिखाया, और सबसे ज्यादा मतलब अपना क्या अपना उपस्थिति यहीं पे ही दिखाए, क्यों आप बोलोगे क्यों, दुर्गा माता का, दुर्गा माता जगन्नाथ जी से भी पहले दुर्गा माता यहाँ पे विराजते हैं, दुर्गा माता नहीं आदि शक्ति यहाँ पे विराजते, यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं मतलब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, हम लोगों को बोला जाता है, हम लोग मतलब पुरी के लोगों को बोला जाता है भाई जगन्नाथ जी को अगर मतलब दर्शन नहीं कर रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, जगन्नाथ जी है वो समझेंगे, मतलब मन के बात समझते हैं, बहुत मतलब फ्री फ्रैंक है, पर क्षेत्रसर ही एक है जो मेन है, जो मेन शक्ति है जगन्नाथ जी का शक्ति, वो है बिमला देवी आदि शक्ति,
प्रथम आदिशक्ति, चार आदिशक्ति पीठ है, एक है बिमला देवी का, प्रथम है। कृष्ण ने जब कृष्ण जामलक तंत्र महातंत्र जब बनाना किया था, उन्होंने बोला था कि राधा के कंठ से सब शक्ति निकले हैं, और उनका उनका जो लीडर है, उनका मतलब क्या, उन सभी का सबसे मतलब अगर बड़ी बहन या सबसे मतलब पावरफुल अगर किसी को बोला जाए, वो है श्री, वो है बिमला देवी। बिमला देवी मतलब, बिमला देवी यहाँ पे कब से है, जब सती का पैर आके यहाँ पे पड़ा था, शक्ति पीठ है, सती शक्ति, सती माता, शक्ति पीठ नहीं, आदि शक्ति पीठ, ओके, आदि शक्ति, आदि शक्ति मतलब फ्रॉम मेन पीठ, यहाँ पे भी आदि शक्ति आप बोलोगे क्या है, शक्ति है आदि शक्ति, शक्ति आदि शक्ति बहुत मतलब नेचुरल सा चीज है, लोगों को पता नहीं है क्या शक्ति है, मतलब शक्ति मतलब पावर, आप जो सिद्धियां पा रहे हो वो सब कुछ पावर है। सुदर्शन जिसने सती माता का मतलब सब कुछ मतलब काटा था, वो भी उनके ही पावर से चल रहा है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को पता, मतलब लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे ऐसे ही पड़ गया है, मतलब एक एक पैर यहाँ पे पड़ा, पैर यहाँ पे पड़ा, ऐसे बोलते हैं, पर वैसा नहीं है, ये पूरा एस्ट्रोनॉमिकली पड़ा है, एस्ट्रोफिजिक्स है पूरा, जो हमें ज्यादा ज्ञात नहीं है, मानव जाति को ज्यादा ज्ञात नहीं है उसके बारे में। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो पैर पड़ा है, ये बना सबसे बड़ा पैर, और सबसे मतलब यहाँ पे अगर परम ब्रह्म रहते हैं तो परम शक्ति रहना चाहिए, परम शक्ति है माँ गंगा। उसके बाद यहाँ पे और एक आदि शक्ति पीठ है, वो है तारा तारिणी, विमला, एक एक श्लोक है, विमला पादखंडच तनखंडच तारिणी कामाख्या युनिखंडच मुखखंडच कालिका। तो लोगों को पता है कि तंत्रपीठ मतलब कामाख्या, तो लोगों को नहीं पता तंत्रपीठ में भी उत्तम है, वो है पूरी। और शक्तिपीठ क्या है, शक्तिपीठ जहां पे सोच लीजिए, मेरा फोन ये मतलब मेरा फोन है जहाँ पे सी ड्राइव चार्जर चाहिए मुझे, तो मेरे को सी ड्राइव चार्जर के पास जाना पड़ेगा, वैसे ही शक्तिपीठ मतलब एक चार्जिंग पॉइंट जैसा है, मतलब एक सिद्धि मुझे चाहिए जहाँ पे, जहाँ एक जो एक शक्तिपीठ दे सकता है, जो एक शक्ति दे सकती है, मतलब अभी कामाख्या देवी के पास अगर मैं जा रहा हूँ, काम उनको बोला जाता है काम रूपी कामाख्या, मतलब उनका जो सिद्धि है वो वहां पे ही आप मतलब एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद अभी अगर मैं जा रहा हूँ बिमला देवी के पास, बिमला देवी के पास उनके ही सिद्धि मैं पा पाऊंगा, समझ रहे हो। मतलब अभी एप्पल चार्जर के पास एप्पल चार्जर ही आएगा ना, मुझे एप्पल चार्ज, एप्पल फोन है तो एप्पल चार्जर के पास जाऊंगा, अभी लैपटॉप है लैपटॉप चार्जर के पास जाऊंगा, वैसे ही। पर ये सबसे बड़ा तंत्र पीठ है, सबसे बड़ा, यहाँ पे हमारा मतलब रावण यहाँ पे प्रैक्टिस करता था तंत्र, उसने एक है जहाँ पे लिखा गया है कि शिव जी वर्णना कर रहे हैं उड़ीसा के तंत्र के पीठ के बारे में, मतलब उड़ीसा के ऊपर, और वो लिख रहा है उड़ीसा क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और उड़ीसा के ऊपर इतना मतलब पावरफुल क्यों है उड़ीसा, समझ रहे हो। एक इतना पावरफुल क्यों है,
तो रावण यहाँ पे करता था, पूरी में ही करता था। रावण का मतलब यहाँ पे एक जम्बेश्वर है, यहाँ पे आपने सुना अगर यम को मतलब शिव जी ने पूरा भस्म कर दिया था, जानते हो ये वाला बात। मार्कंड ऋषि क्या किए थे ना, शिव जी को पकड़ के खड़े हो गए, मतलब छोटे बच्चे ही थे तब, क्या शिव जी को मतलब पूजा कर रहे थे, यम बोला चलो तुम्हारा टाइम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, शिव जी को पकड़ के खड़े हो गए, शिवलिंग को पकड़ के खड़े हो गए। यम ने क्या किया ना, खींच दिया मतलब शिवलिंग को, शिवलिंग से प्रकट हुए शिव जी, भस्म कर दिए। जानते हो ये वाला स्टोरी। तो शिव जी जब यम को मतलब भस्म कर दिए थे, वहां पे जो जम्बेश्वर है मतलब यहीं पर ही, मतलब पुरी में ही भस्म किए थे और आए थे जम्बेश्वर, यहाँ यहीं पर ही है, वहां पे तपस्या किया था यम को, और एक बार मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित पुनर उसके शक्ति दिए थे, तो इसीलिए जम्बेश्वर उनको बोला जाता है जम्बेश्वर महादेव, जम के नाम पे जम्बेश्वर महादेव, जम को जो जिसने तो जब शिव जी ने आशीर्वाद दिया था और मतलब पुनर्जीवित किया था उसको, उनको रावण आता था पूछने के लिए। सांझ में उसका मतलब प्रथम शिव जी ये थे जिसे वो पूजा करता था हर दिन, हर दिन। ये रहा माइथोलॉजी। अगर हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा ऐसा एक प्रदेश था जो कि बिना फोर्स अप्लाई किए सबसे बड़ा लैंड एक्वायर कर पाया था। सबसे बड़ा लैंड कैसे एक्वायर किया था, श्रीलंका, श्रीलंका, जावा, थाईलैंड, बुर्मा, चाइना का कुछ पार्ट, ये सब कुछ, सब कुछ, आधा इंडिया, सब कुछ उड़ीसा के अंडर था। कभी भी पढ़ाया नहीं जाता ये, बिना फोर्स अप्लाई किए, किसी को एक भी हत्या नहीं किया, पर सब कुछ कलिंगा था, सब कुछ कलिंगा। इवन आपको और एक बात बताता हूँ, मैक्सिको, ए सॉरी अमेरिका, अमेरिका के जो फर्स्ट जो लोग गए थे अमेरिका, अमेरिका एक नोमैन्स लैंड था, जो फर्स्ट लोग गए थे वहां पे उनको बोला जाता है रेड इंडियंस, समझ रहे हो। वो क्या होता था, जो अमेरिका का बीच का हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा, वहां पे जाके हमारे हमारे यहाँ पे मर्चेंट नेवी बहुत ही अच्छा था। किसी को मर्चेंट नेवी का जब कुछ पता ही नहीं था, हम लोग ट्रेड करते थे, और इतना सामर्थ था हम लोगों में, मतलब हम लोग देश विदेश में मतलब कैसे ही जाते थे। तो ये लोग वहां पे जाते थे यूरोप के साथ डील करने के लिए, जापान फापान में सब सभी ओर हम लोग जा चुके थे, हम लोगों का पूरा मतलब हम लोग इतना कनेक्ट कर चुके थे, आधा मतलब आधा तो आधा प्रदेश तो हम लोग मतलब अपने ही अंडर कर चुके थे, कलिंगा कर चुके थे। इवन बुर्मा को कलिंग, बुर्मा को बोला जाता था मतलब म्यांमार, म्यांमार को बोला जाता था कलिंग राट, मतलब कलिंग राष्ट्र, और उनके जो कैपिटल था उसको बोला जाता था सिक्षेत्र, जो पुरी को बोला जाता है श्री क्षेत्र, उसको उनके जो कैपिटल है जैसे कि हमारा दिल्ली है वहां, मतलब हमारा पुरी को वहां पे लेके रख दिए थे, श्री क्षेत्र बोलते थे, इतने पावरफुल थे हम लोग। हम लोगों के जो मर्चेंट थे वो लोग गए थे अमेरिका, अमेरिका में ट्रेड करते थे। जब ट्रेड करते थे क्या हुआ ना, मतलब मैं अभी बन गया सेठ, समझ, तो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया ना, एक घर बना लिया, मैंने बोला मैं यहाँ पे बैठता हूँ, अपने मेरे जो मेरे अंडर जो काम करते थे, मेरे पास जो काम करने के लिए है, मैंने बोल दिया तुम जाओ फिर से इंडिया, फिर से लाके आओ सब कुछ, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो एक्सचेंज होता रहा, यूरोप के लोग यहाँ पे आते रहे, तो वो है मतलब वो और ये लोग सब कुछ मतलब एक जगह, मतलब जो लोग रह गए वहां पे मतलब ट्रेड करने के लिए, तो वो लोग बने अमेरिकन, और उनके इसीलिए
उनको उनका अगर हम लोग देखा जाए उनका जो कल्चर कल्चर वाइज कुछ तो होगा, मैक्सिको के कल्चर जो मैक्सिकन के कल्चर से बहुत मेल, मतलब मैक्सिकन का कल्चर आता है हम लोगों के कल्चर से। कोई नहीं बोलता इसको। हम लोग मतलब इतने फैले हुए थे, हम लोग अफ्रीका से ट्रेड करते थे, हम लोग पूरा मतलब मतलब साउथ ईस्ट एशिया सब सबके साथ ट्रेड करते थे, हम लोग अरब कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, हम लोगों के पास कुछ भी कमी नहीं था, कुछ भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना अशोक क्यों मतलब अखंड भारत करने के लिए कलिंग पे अटैक करता है, नहीं भाई वो जानते थे अगर कलिंग पे अटैक होगा तो मेरा बहुत मतलब लॉस तो बहुत होने वाला है, क्योंकि कलिंग के लोग क्या थे ना बहुत रिबेलियस थे, वो जानते मतलब कलिंग को अक्वायर ऐसा नहीं किया जा सकता, मेरे आधा सेना मर जाएगा, मतलब बहुत सालों तक चल सकता है मतलब वार, और वैसा ही हुआ, बहुत दिन तक चला वार, बहुत मतलब सेना मर गए हमारे उड़ीसा में तो बहुत मतलब हमारे जो जो क्या बोलते हैं मतलब छोटे छोटे जो बच्चे थे वो लोग मतलब अपने हाथ में तलवार लेकर निकल गए थे, छोटे छोटे बच्चे। मैं भी लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों तो पहले से ही निकल गए थे, पर छोटे छोटे बच्चे वो भी निकल गए थे, समझ रहे हो? तो उड़ीसा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा खाली मतलब इतना ही मतलब उड़ीसा के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उड़ीसा क्या क्या था, उड़ीसा क्या था अशोका के बाद 150 साल के बाद एक ऐसे खारा बेड़ा, वो भी एक सम्राट थे, उन्होंने आधा इंडिया मतलब आधा नहीं पूरा ऊपर से नीचे तक कैसे एक्वायर कर लिया था उन्होंने, मतलब खारा बेड़ा। उसके बाद एक कपिलेंद्र देव एक थे राजा, उन्होंने पूरा आधा ऐसे कर दिया था इंडिया को, किसी को नहीं पता भाई। मैं जो जो लोग इतना इतना सा जीतते हैं ना उनका नाम है भाई वेस्टर्न साइड, अगर वेस्टर्न इंडिया पे हम मैं फोकस करूं तो बहुत लोगों का नाम मुझे निकल के आ रहा है मेरे आगे, पर हम लोगों का कुछ नहीं है। कलिंगा मतलब कलिंगा ये नाम कलिंगा का खाली नाम मतलब अभी का नहीं है, ये महाभारत वक्त में भी था कलिंगा और उद्र, महाभारत में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत है पर किसी को पता नहीं चल रहा है। हम लोग नो मैन मतलब क्या वो बोलते हैं, हम लोग पूरा अननोन बन गए। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये लोग जो मेनस्ट्रीम मीडिया कंडक्ट करते हैं वो लोगों को दिखाई देता है वोट बैंक, हम लोगों का यहाँ पे ज्यादा वो वोट बैंक नहीं है, मतलब ज्यादा वोट परसेंटेज मतलब सीट्स तो नहीं है जो कि उन लोगों को प्रॉफिटेबल हो, हम लोग तो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो हम लोगों को पूरा मतलब धकेल दिए हैं। हम लोगों का रथ यात्रा भी 5 मिनट का ही टाइम मिलता है उन लोगों का रथ यात्रा को, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा पर्व है। क्या बोलो जहाँ पे परमात्मा खुद उतरते हैं उनको ही 5 मिनट के लिए दिखाते हो, पर अगर कुछ मतलब एक लड़की लड़के का झगड़ा भी हो जाए ना यूपी में तो आप लोग पूरा हंगामा ही कर लेते हो, एक बार तो दिखा दो, कुछ तो जान लो हमारे बारे में, कुछ तो जान लो हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट किए थे, क्या क्या किए थे हम लोग, क्या क्या हुआ था, कुछ तो जानो। खाली मतलब खाली वेस्टर्न साइड या खाली नॉर्दर्न साइड में ही सब राजा नहीं थे, बहुत राजा हमारे यहाँ पे थे। हमारे एक नृसिंह देव एक राजा थे जो बंगाल सल्तनत को पूरा इराडिकेट कर दिया,
रूट के इराडिकेट कर दिए, इसीलिए उनके ही मतलब याद में बनाए थे कोणार्क टेम्पल। इतने भी मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ अंडरडग है हम, हमको कोई नहीं पूछता। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा चकित करने वाला चीज, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक ट्राइब है जो कि राम जी मतलब राम जी से पहले मतलब पहले का ट्राइब है, राम जी उनके साथ मतलब कनेक्शन कुछ है उनका, कुछ है क्या मतलब ऐसे ही मतलब वहाँ पे राम जी थे तो मतलब कुछ उनका उनका कुछ एक्सचेंज हुआ था, बातों में कुछ एक्सचेंज हुआ था, बात ये वो बात कुछ भी ऐसे ही एक्सचेंज हुआ था, उसके बाद कुछ तो है, एक बोंद ट्राइब है, हम एक मयूरभंज एक इलाका है जहाँ पे मतलब एक हाँ मयूरभंज एक इलाका है जहाँ पे ये लोग रहते हैं अभी भी हैं। पांडव ने अपना अज्ञातवास यहीं पे कंप्लीट किया था, कौन जानता है भाई अज्ञातवास हुआ था उतना ही खत्म। जो हनुमान जी जो पर्वत उठा के ले रहे थे उसका आधा हिस्सा जमीन पे गिर गया था, कहाँ पे गिरा था, हमारे यहाँ पे उड़ीसा में, अभी भी वो जड़ी बूटियां हैं, कभी भी खोज नहीं हुआ है। अभी अगर जो लोग खोज कर रहे हैं वो लोग चकित हो जा रहे हैं, इतना मतलब औषधीय चीज यहाँ पे किसे कहीं पे भी नहीं है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भगवान परशुराम को भी बताया जाता है महेंद्रगिरी पर्वत, वो भी उड़ीसा में ही है। तो आप महेंद्रगिरी पर्वत वहीं पे है हमारे यहीं पे, परशुराम जी यहीं पे है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन कितना है, उड़ीसा क्या किया है, क्या क्या मतलब हम लोगों के यहाँ सबसे पहला आंदोलन हुआ था ब्रिटिश जब शासन दिए थे 1804 में, पाइको विद्रोह। कौन जानता है, कौन बात करता है, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे मतलब राजगुरु बहुत लोगों को मार दिया गया था, बहुत लोगों को, ये बात छुपाने के लिए। हमारा कुछ भी नहीं बोलते, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या ही बोलूं। और मतलब बहुत ही मतलब हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, इसीलिए हम लोग मैं तो ट्राई कर रहा हूँ बहुत, मतलब आज थोड़ा सा फ्री था तो मैं सोचा कि आपका मतलब बोल रहे थे इतना दिनों से, तो मैं पहले आपको मतलब इसीलिए झट से बोला, अभी कर रहे हैं खत्म, बात खत्म मैं कर रहा हूँ अभी, तो इसीलिए मैं किया। और मेरा एक विनती है मतलब सभी ऑडियंस है कि हमारा संस्कृति जानिए, इंडिया का संस्कृति जानिए, उड़ीसा का संस्कृति जानिए, क्योंकि आपको अगर संस्कृति देखना है यहाँ पे मतलब भरा पड़ा है सब कुछ, जो भी ढूंढोगे मिलेगा, जो भी ढूंढोगे मिलेगा यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे देवता हर दिन आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने, बहुत लोग तो एक्सपीरियंस भी करते हैं देवता को, देवता पास रहते हैं सर। यहाँ पे ही स्वर्ग का द्वार खुला है, यही पूरी पे, वर्ल्ड में कोई कहीं पे भी नहीं, मतलब हमारे पृथ्वी में और कोई कहीं पे नहीं है, खाली अकेला पूरी में ही है। रावण यहीं से ही सीढ़ी करता कर रहा था, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं बताया गया भाई, कुछ भी नहीं। आप लोग सुने होंगे रावण सीढ़ी कर रहा होगा, कर रहा था, पर कहाँ कर रहा था, क्या क्यों कर रहा था, सब कुछ यहीं पे, यहीं पे ही ह्यूमन नेचर का मतलब ह्यूमन जो सिविलाइजेशन को बचाने का चीज यहीं पे है, खत्म होगा भी यहीं पे, स्टार्ट यहीं खत्म यहीं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, एक कुंड है रोहिणी कुंड जो बचाता है मानव जाति को, बचाता है प्रलय आने पर, पानी निकलता है, जो प्रलय आता है कहाँ से मतलब समुद्र पूरा अपने अंदर ले लेता है, तब रोहिणी कुंड एक है जो आधा पानी सोख लेता है मानव जाति को बचाने के। यहाँ पे जो समुद्र है वो स्वयं वरुण है, वरुण थे
जगन्नाथ जी उनको मतलब उनके ससुर है, मतलब जगन्नाथ जी के ससुर है, मतलब विष्णु के ससुर है वरुण देव, उनके बेटी हैं लक्ष्मी जी। तो जगन्नाथ जी उनको मतलब हर अमावस्या के दिन जाते हैं मतलब पूजा करने। बहुत कुछ है, इंदिरा यहाँ यहीं पे आके माफी मांग के गया था जगन्नाथ जी को, क्या मतलब सब कुछ, मतलब हमारा मतलब सब कुछ खत्म हो गया है जैसे ऐसे बोल रहे हैं सब लोग। तो मेरे ख्याल से अगर पिछले, हाँ बिल्कुल आप कंटिन्यू अगर कीजिए। एंशिएंट इंडिया और सब कुछ आपको पता, मतलब आपको पता चलना है, अगर कुछ जानना है तो आइए, यहाँ संस्कृति का भंडार है। मैं मतलब यहाँ पे और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मतलब मेरा हर वक्त काम रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, कुछ मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप आओगे क्या, आप आओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा। मतलब मैसेजेस भरे पड़े हैं कि आप आओगे हमसे मिलने के लिए, मैं नहीं आ पाऊंगा सॉरी, क्योंकि अगर आपको देखना है तो मैं मतलब दिखना है तो मैं जगन्नाथ मंदिर में ही दिख जाऊंगा। जगन्नाथ मंदिर में फ्रिक्वेंटली जाता हूँ, मतलब हर दिन जाता हूँ, अभी कुछ दिन हो गए, मतलब दुर्गा पूजा के बाद मैं थोड़ा सा गया नहीं था, पर अभी जाऊंगा, अभी मतलब बच गया है, बहुत टाइम हो गया है, रात को मतलब अभी हो गया 9:30 हो जाएगा, अभी इसके बाद जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। तो अगर आपको दिखना है वहीं पे दिख जाऊंगा, और मैं नहीं आ सकता, पर आप आइए संस्कृति जाने। और आप लोग मतलब छोटा छोटा चीज जो को मतलब लेके खुश हो रहे हो कि ये है वो है, यहाँ पे आइए भाई, बड़ा बड़ा चीज जानोगे भाई, दिमाग ही घूम जाएगा, दिमाग ही घूम जाएगा। ये अकेला लैंड है जहाँ पे हनुमान जी भी रहते हैं, ये अकेला लैंड है जहाँ पे परशुराम रहते हैं, ये अकेला लैंड है जहाँ पे परम ब्रह्म रहते हैं, ये अकेला लैंड है जहाँ पे परम शक्ति रहते हैं, ये अकेला लैंड है जहाँ पे सभी देवता आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने, ये अकेला लैंड है जो कि मानव जाति को डिफाइन करता है। एक बार आइए माया में, मतलब अभी ये सब कुछ जो है ना, कुछ माया आपको मतलब दिख रहा है, पर आप आइए जानिए थोड़ा हमारे संस्कृति के बारे में, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। अब आप लोग अभी क्या हुआ है ना, बहुत लोग संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग आइए जरूर जरूर, मतलब मैं आपको मतलब अगर मीट नहीं कर पा रहा हूँ तो यहीं पे ही बोल दे रहा हूँ, वेलकम टू उड़ीसा, प्लीज आइए प्लीज आइए। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से आज का पॉडकास्ट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है, काफी नई नई चीजें मुझे भी और आप लोगों को पता चली होंगी। हमने भविष्य मालिका पे बात किया, भगवान जगन्नाथ पे बात किया, मेनली उड़ीसा के महत्व के बारे में बात किया, क्यों वो इम्पोर्टेंट था है और आगे भी रहेगा। और आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए उड़ीसा एक बार एक्सपीरियंस जरूर से कीजिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। हमारे धर्म की कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई है, पूरे जगत के नाथ स्वयं विराजमान है, तो जरूर से जाइए, आप सभी का स्वागत है उड़ीसा में, बिल्कुल एक बार जरूर से विजिट कीजिए। और भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इतना बेहतरीन जानकारी देने के लिए सभी के लिए, तो शुक्रिया भाई, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।